अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल वाओ कोर्स वीडियो डे 11 या डे 12 हम कह सकते हैं इसको। आज की वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ PUBG मोबाइल के अंदर देखो अपडेट आया वाओ का, तो अपडेट के बाद बहुत सारी नई चीज़ें ऐड हुई हैं। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग जो है वो एक जहाज़ विन करना चाहते हो, बिल्लिया साहब चुप हो जाए यार, रिकॉर्डिंग कर रहे थे ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ आएगी फिर सारे कमेंट बॉक्स से, वो पिछू आवाज़ आ रही सी, वो शोर हो गया सी यार। उन्होंने शॉपिफाई से पैसे तू देंगे, मैं इन्होंने वाओ मैप तो सिखा रहे हैं कि भाई वाओ मैप जो पैसे कढ़ो 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख कढ़ो फिर लाओ शॉपिफाई से। शॉपिफाई तो पैसा चाहिए ना, सही बात कह रहा हूँ ना यार, पैसे होंगे तो शॉपिफाई करोगे ना भाई, पैसे नहीं है तो शॉपिफाई कहाँ से करोगे। अच्छा यार मुबीने आज चुप कर दे 2 मिनट। अच्छा यार सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं कह ये रहा था कि भाई अपडेट बताने से पहले ये मेरा मैप है, मैंने जहाज़ सेंड करना है उस बंदे को जो बंदा इस मैप को सबसे कम टाइम में कंप्लीट करेगा। ये मैंने अभी एनिवर्सरी के लिए बनाया है, तो इस पर तुम लोगों ने आके ना लव यू करना है, लव यू होना चाहिए इस मैप के साथ। ऐड टू फेवरेट तुम लोगों ने लाजमी से करना है और खेलना है, और एक अच्छा सा कमेंट भी करना है। जैसे कि यहाँ पर मैनेज कमेंट में जाते हैं तो बंदे ने कहा था चैलेंज डन हो गया जी, फैन भाई कह रहे चैलेंज डन हो गया जी। अच्छा जी इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद ये एक बंदे ने आई एम विन, तू एक स्टार भेज के मेरे तो आसान कितना यार, कसम से बंदा 5 स्टार तो भेजता है ना यार जी। बंदे हो तुम रैंकिंग चेक कर लेते हैं। अभी के लिए जो रिकॉर्ड है इस मैप को कंप्लीट करने का वो हम देख लेते हैं। इन्हें देखो 3 मिनट 1 सेकंड, 3 मिनट 1 सेकंड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या 3 मिनट 1 सेकंड यार। ये मुझे आई थिंक इसकी रैंकिंग सेट करनी पड़ेगी। 2 मिनट पंजियाँ करके मैं जड़ा है ना एनू मैं सेट करना, ठीक है। इसको मैं अभी जो है वो सेट कर देता हूँ, इसको हम अपडेट भी कर देते हैं ताकि जो है ना। तो तुम लोगों ने इस मैप को खेलना है, ऐड टू फेवरेट करना है। वो अपडेट तो बात ख़राब तो नहीं हो जाएगा अच्छा इस मैप को तुम लोगों ने खेलना है। मैप का कोड भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर तुम लोगों को इसका जो कोड है मैप का वो नज़र आ रहा होगा। ये वाला मैप आके तुम लोगों ने खेलना है और सबसे कम टाइम में कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करो और मुझे वहाँ पर मेंशन करो, जिसने सबसे कम टाइम में कंप्लीट किया होगा उसको जो है वो जहाज़ मैं सेंड कर दूंगा 1000 UC वाला। कोई बड़ी बात नहीं है यार, 1000 UC तो हम वैसे उड़ा देते हैं। मैं 10-20 हज़ार UC भी उड़ा दूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले सेटिंग से ना आवाज़ शवाज़ भी बंद कर लूँ, फिर बड़ा मसला करती है। अच्छा बंद है, ऑलरेडी बंद है, ठीक है। तो आज इस मैप के अंदर तुम लोगों ने करना ये है कि अगर तुम उसको प्ले करते हो, ये हमारा वाओ का एनिवर्सरी वाला मैप है। सस्ता सा मैप है यार, तकरीबन 1-2 दिन लगे बनाने में। विन कर गया तो 1.5-2 लाख रुपए जो है वो अंदर है, और तुम लोग भी ऐसे ही पैसे कमा सकते हो वाओ सीखने के बाद। वो जो पॉइंट तुम लोग को नज़र आ रहा है ना उसके ऊपर पहुंचना है सबसे कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे तुम लोग जो है वो टेक्स्ट जो है वो किसी भी मैप के अंदर लिख सकते हो। सबसे पहले तुम लोगों ने यहाँ पर जो है वो डब्बे के ऊपर क्लिक करना है। डब्बे के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम लोग को एक नया ऑप्शन नजर आ जाएगा, स्मार्ट जनरेटर। ये वो वाला जनरेटर नहीं है जिसकी मतलब जो बिजली वाला होता है ना, वो वाला नहीं है, ये दूसरा जनरेटर है। इसके ऊपर तुम लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही तुम लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि प्लीज़ इंटर डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ B2K Samurai, ठीक है, B2K Samurai लिख देता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ डन। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आ रहा है जनरेट डिटेल लेवल 1 to 10। तो यहाँ पर डिटेलिंग के लिए तुम लोग इसको मैक्सिमम कर देना 10, इसका साइज़ होना चाहिए। इसकी जो डायरेक्शन है वो तुम लोग चाहते हो वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो। जो लोग तो स्कूल गए हैं इस नीयत से कि हम स्कूल कॉलेज पढ़ के जो पैसा कमाएंगे, ठीक है, उनको तो इसका नहीं पता होगा, उनको इसका पता होगा बल्कि नहीं पता होगा, बल्कि यार उन्होंने स्टडी पे फोकस ही नहीं किया होना। हॉरिजेंटल मतलब ये होता है, मैं हाथ मेरा तुम लोग को नज़र नहीं आ रहा होगा, चलो वर्टिकल पे रखते हैं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। वर्टिकल जो होगा उसके अपोजिट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जनरेटर का जो कलर है वो तुम लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसका जो कलर है वो ऐसे कर देता हूँ भाई, कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे जनरेट पर क्लिक करोगे तुम्हारे पास जो है वो लोडिंग आ जाएगी। लोडिंग आने का मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें जो है वो वेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो जनरेट हो चुका है। अब ये जो टेक्स्ट होता है ना ये कस्टमाइज के अंदर जनरेट होगा। यहाँ पर बिल्डिंग प्रेफरेबल कस्टम ऑब्जेक्ट्स पार्ट्स गेम प्ले डिवाइस इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट्स कस्टमाइज के अंदर आओगे तो यहाँ पर तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो बन के आ जाएगा। तुम लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे जो तुम लोगों ने यूज़ के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर B2K Samurai जो है वो बड़ा करके लिख के आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे होंगे समुराई भाई ये वाओ कैसे लिखा है, तो वाओ ऐसे लिखा है भाई। भाई वैसे इस तरह लिखना चाहिए था, वो तो पता है टैक्स जनरेटर नहीं यूज़ कर गया तो 10 9 उस तरह। अच्छा अब मैं तुम लोग को मज़े की चीज़ बताता हूँ। अगर तुम लोग अकेले खुद इसको बनाने लग जाओगे ना तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इस फीचर का इस्तेमाल करते हो तो ईजिली तुम्हारा बन जाएगा। देखो मैं इसके पास आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ना ग्रुप ऑब्जेक्ट से ख़त्म करता हूँ, तो ये देखो ये एक एक जो है ना फट्टी लगा के PUBG मोबाइल ने तुम्हें बना के दी। देखो एक एक फट्टी लगाई है भाई, इतनी मेहनत, आए हाय इतनी मेहनत कर लेते किसी नेक काम में तो आज किधर होते। ये देखो B2K समुराई। वो वैसे एक चीज़ है, एक चीज़ मेरे जहन में आई है, क्या हम इसको अगर इस पर क्लिक कर दें और स्मार्ट जनरेटर पे क्लिक कर दें और यहाँ पर मैं जो है इमोजी लगा दूँ। इमोजी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा। अच्छा यार, अच्छा इसमें अगर गिनती लिख दूँ 1 2 3 4 5, ओ यस 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 6 7 8 9 10। चलो जी एनो जनरेट कर दें आप। ओके यहाँ पर हमारा जो गिनती है वो बन के आ चुका है, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। क्या बात है क्या। अब देखो ये देखो मैं इसके पास इसको नहीं लगा सकता, ये देख रहे हो। वैसे मैं मज़े की बात बताऊँ ना, मुझे एक ट्रिक पता है जिससे मैं इसके पास लगा सकता हूँ, लेकिन यार फिर वही बात है अगर मैं तुम्हें वो कोई ग्लिच बताऊँगा ना तो PUBG वालों ने पकड़ के ना मेरे जितने भी पैसे फंसे हुए हैं ना, और इतने ज़्यादा पैसे फंसे हुए हैं कि मैं तुम लोग क्या बताऊँ, वो सारे जो पैसे वो रोक लेने हैं और चैनल भी जो है मेरा उड़ जाना है। तो मैं ग्लिचेस तुम लोगों को नहीं बता सकता, तुम लोगों ने दूर आके यहाँ पर जो इसको लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो गिनती भी है वो भी लग चुकी है। क्या बात है, कितनी प्यारी लग रही है भाई। तो यार देखो बताने का मकसद ना, ये रोज़ नई नई चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि तुम लोग कुछ नया सीखो, और अगर तुम्हारे जहन में WoW में आपको कोई आइडिया आ रहा है ना तो इन आइडियाज़ को यूज़ करके तुम लोग कुछ नया क्रिएट करो। जैसे कि मैंने TikTok के ऊपर ना कंटेंट स्टार्ट कर दिया कि 1 फॉलोअर के बदले 1 नाम लिखूंगा, तो इस तरीके से 1 फॉलोअर के बदले 1 नाम लिखेंगे भाई। समझ आई तुम लोगों को? हैं समझ आई तुम लोग को शहजादो? अब यहाँ पर तुम लोगों ने एक और चीज़ मैं तुम लोग को बताता हूँ कि यार ना अभी मेरा ये भाई भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यार Shopify स्टार्ट कर लो। ओए क्या प्यार लग रहा था, Shopify कर लो, Amazon कर लो। और मैंने ऐसे लोगों को भी TikTok YouTube पे देखा है, भाई कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें जो है ना फलाने के बंदे का कोर्स फ्री में दे देंगे, इसका कोर्स फ्री में दे देंगे, फॉलो कर लो, ये कर लो। तो उसी मैंने एक गल दसो, तो उसी थोड़े को इन्ने पैसे नहीं हैं कि तुम एक कोर्स जो है ना एक बंदे का कोर्स तुम बाय करो, ठीक है। इतने पैसे तुम्हारी जेब में है नहीं कि कोर्स बाय करो, तो कोर्स सीखने के बाद तुम लोगों ने हम बेचने उसमें, मतलब यार कोर्स करने के बाद क्या पढ़ लोगे? वो कोर्स में कोई ऐसी टेक्निक तुम लोग को बता देगा कि पैसे जो है वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे, या पैसे उगाने की कोई टेक्निक होती है कोर्स के अंदर? ऐसी कोई चीज़ नहीं होती भाई। अगर कोर्स तुम लोगों ने बिलफर्ज फ्री में ले लिया, तुम लोगों ने उसको सीख लिया है, समझ लिया है, और उसके बाद जो लाखों रुपए तुम लोग उसके ऊपर लगाने हैं और पूरा तुम लोगों ने इसको एक टाइम देना है। एक बिज़नेस तुम लोग स्टार्ट करते हो तो 1 2 साल तुम लोगों ने उसके ऊपर लगाने हैं, करोड़ों रुपये तुम्हारे लगने हैं, वो तुम कहाँ से लाओगे? कोर्स तो पैसे हैं नहीं, तो उससे आगे दी गला फिर जो है ना। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि देखो कंटेंट बनाओ, इतने सारे ट्रेंड्स आते हैं, किसी न किसी ट्रेंड पे शुरू हो जाओ, कंटेंट बनाओ, अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाओ। लो डिवाइस है तुम्हारे पास फिर भी तुम लोग अच्छा कंटेंट बना सकते हो। ऐसे हज़ारों लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है। कई बार मैंने चैनल के अंदर भी वहाँ पर शेयर किया हुआ कि यार ये देखो ये बंदा ये कर रहा है, ये कर रहा है। कंटेंट बनाओ, उससे व्यूज़ छापो, उससे पैसे छापो, या WoW मैप बनाओ उससे करो, ठीक है। या PUBG मोबाइल के जो सूट्स होते हैं डिज़ाइन करके उससे पैसे कमाओ। पहले पैसे कमाओ, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अपने पास जमा करो, उसके बाद जाके ये Shopify Amazon इन चीज़ों की तरफ जाओ, क्योंकि भाई वहाँ पर तो अच्छा खासा पैसा तुम लोगों को चाहिए। और अगर तुम लोग लॉन्ग टर्म के लिए देखो ट्रेडिंग या उस चीज़ के अंदर घुस रहे हो, मतलब फ़र्ज़ कर लो तुम थोड़े डॉलर से स्टार्ट कर रहे हो, 40-50 डॉलर से भी स्टार्ट कर रहे हो, तो वो भी तो तुम्हें चाहिए ना। वो 40-50 डॉलर कहाँ से लाओगे? मैं तुम लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऑनलाइन कामों के अंदर पैसे ऐसे ही जो है ना अपनी जेब खर्च जो घर से जो मिलती है वो लगा दो। ना 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 भाई, अगर ऑनलाइन किसी काम में तुम लोगों ने पैसे लगाने हैं तो वो ऑनलाइन से ही निकाल के लगाओ, उससे हट के कहीं से नहीं लगाओ, ऑनलाइन में ही करो, ठीक है। ये एक एडवाइस है, और इसके ऊपर ना मैं इंशाल्लाह TikTok के ऊपर ये पूरी सीरीज़ अब स्टार्ट करूँगा। WoW वाली भी मैंने Day 1 Day 2 करके ना TikTok पे भी बतानी है, तो मैं थोड़ा सा उनको गाइड करता रहूँगा कि भाई तुम्हें किस तरफ जाना चाहिए। क्योंकि मैं खुद ऐसे ही मैंने स्टार्ट लिया, स्टार्ट में 200 300 400 रुपये कमाने से, फिर ऐसे हज़ारों में आया, फिर 1000 से, फिर ऐसा टाइम आया बिल्कुल रुक गए। कितने ही मैंने चैनल बनाए TikTok के, यूट्यूब के कितने चैनल बनाए, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार सब्सक्राइबर करके बैन, फिर 32 हज़ार सब्सक्राइबर वाला चैनल भी उड़ गया मेरा, ठीक है। बिल्कुल ज़ीरो पे भी आए हैं, फिर उसके बाद ऐसे करते करते तो भाई बड़ा मज़े की जर्नी रही है। और अगर मेरे जैसा नालायक बंदा जो है वो कर सकता है तो तुम लोग भी कर सकते हो। और मेरा मेन मकसद ना उन लोगों को टारगेट करना होता है जो कि ये 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे हैं, ठीक है, अभी उनके पास अच्छा खासा टाइम है। अभी के टाइम से अगर अभी से वो स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, मसले की बात नहीं है। मैं भी पढ़ रहा था, स्टडी साथ में कर रहा था, ठीक है। स्टडी के साथ तुम लोग जो है वो अपनी स्ट्रगल शुरू करो, मेहनत करो, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम स्पेंड करो किसी एक काम पर, उससे कमाने की कोशिश करो। काम वही करो जो कि तुम्हें 1-2 महीने के अंदर जो है वो पैसे लाजमी दे। वो काम तुम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना कि भाई तुम्हें हो कि भाई 1-2 साल बाद इससे जाकर तुम कोई पैसे कमाओ। ना 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 भाई भाई ऐसे काम है नहीं बने। टाइम जो है ना वो टाइम इज़ मनी, टाइम को तुम लोगों ने बचाना है और टाइम से तुम लोगों ने जो है वो पैसे बनाने हैं। अब मेरी कुछ बातें तुम लोगों के सर के ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन जिन लोगों का शौक़ है, जो लोग कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, वो तो भाई फुल गौर से सुनेंगे भी और उसके ऊपर अमल भी करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। एंड वही बात है, जो कम एज वाले हैं उनके पास अभी भी टाइम है, 1-2 साल, 3 साल के अंदर अच्छा खासा जो अपने लिए सीन कर सकते हैं। और ये जो लोड वाइस वाली बात करते हैं ना, तो मैं बता दूं मैंने खुद 16,000 रुपये का, 16,000 रुपये जो मोबाइल के लिए थे वो भी बड़ी मुश्किल से बनाया, मतलब ऐसे ऑनलाइन काम करके जो है वो पूरे किए थे 16,000। और उसी 16,000 से फ़ोन लेके आज थारा भाई जो है वो iPad, सेट, पैसे, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, हर चीज़ में ओके का सीन है। तो टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। और जहाँ तक Shopify Amazon की बात है ना, मैंने उसको आज तक हाथ नहीं लगाया। मुझे उसका A to Z सारा कॉन्सेप्ट, हर चीज़ का पता है भाई कि ये इस तरह से चीज़ें वर्किंग करती हैं, ये वेबसाइट्स है, ये इस तरह से सोर्सिंग सामान, हर चीज़ पता है। लेकिन मैंने उसको क्यों हाथ नहीं लगाया भाई? जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट होगी, मैंने सोचा था कि जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट होगी तब मैं करूँगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि मैं उसको अगर स्टार्ट करूँ 1-2 साल में आराम से उसके ऊपर जो है वो स्पेंड कर सकता हूँ। मैंने अगर मुझे लॉस हो भी जाता है तो मसले की बात नहीं है, मैं उसके ऊपर जो है वो काम कर सकता हूँ और उसको आगे लेके जा सकता हूँ। और उसको मैं करूँगा, मैं वो चीज़ भी करूँगा, वो मैं तुम लोग के साथ शेयर भी करूँगा, ठीक है। ये नहीं है कि बस अकेले करके और अकेले ही जो है ना आगे निकल जाऊँगा, ना ना ऐसा कोई सीन मैंने नहीं करना। तुम लोग के साथ जैसे मैं WoW शेयर कर रहा हूँ ना, ऐसे ही मैं उसको भी करूँगा। तो WoW मेरा एक फ़र्स्ट इनिशिएटिव था, क्योंकि उन लोगों के लिए कि ना, अब अगर मैं स्टार्ट में तो लोगों को बोलता ना कि Shopify Amazon चलो करते हैं, उससे कमाते हैं, तो वो तो भाई बिल्कुल सर के ऊपर से जाना था। अब यहाँ पर तुम लोग गेम खेलते हो तो चलो कम से कम तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता है। और मुझे ना लोग कहते हैं कि मिलियंस, मतलब कुछ लोग ही मिलियंस में होते हैं जो कि इसमें कर पाते हैं। तो मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि WoW के जो टोटल क्रिएटर है ना, WoW के टोटल क्रिएटर वो 3,80,000 हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और उन 3,80,000 बंदों के अंदर मैं तुम लोग को बता दूं 3 लाख ऐसे बंदे हैं जिन्होंने WoW के ऊपर माशाल्लाह से जाके उसको देखा भी नहीं है, बस WoW का एक्सेस उनको मिला हुआ है, उसके बाद तकलीफ ही नहीं कि उसको जाके देखें भी कि इसके अंदर हमने करना क्या है। और उसमें से 80,000 में से 50,000 बंदे तो वो हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ WoW का टैग जो होता है ना ब्लू कलर का, उसको लेने के लिए WoW के ऊपर मेहनत की और बाकी उसको छोड़ दिया। बचे 30,000 लोग जिनका थोड़ा सा है कि वो मैप बनाते हैं, बट उनमें भी लोगों को पता ही नहीं है। उनमें मैं लिख के तुम लोगों को कह सकता हूँ 29,500 लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि WoW के अंदर करना क्या है, ठीक है, ये WoW का मेन हम पैसे कैसे बना सकते हैं। पीछे बचे 500 लोग, और 500 लोग वो हैं जिनको पता है कि WoW से पैसे कमाए जा सकते हैं, और वो भी ढीले पड़े हुए हैं। अब ये कैसे मैं कह रहा हूँ, मैं इतना 100% ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली इवेंट आया था, 40 लोगों को 500 और $1,000 मिलने थे PUBG की तरफ से। उस 40 में पता है कितने लोगों के मैप आए थे? वो 25 लोगों के मैप आए थे, 15/4। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस हो सकती है, लेकिन 15 बंदे तकरीबन थे। 15 जो सीटें थी ना, 500-1,000 डॉलर वाली, वो मिस थी। मैप ही नहीं बनाए, सबमिट ही नहीं करवाए। तो यार अगर तुम लोग को पता नहीं होगा, ठीक है, तो तुम कैसे उस चीज़ को करोगे? इसीलिए मैं ये अवेयरनेस फैला रहा हूँ कि चलो उन 40 बंदों, उन 400 बंदों, उन 500 बंदों के अंदर तो तुम लोग आ जाओ ना। और ये जो लोग कमेंट करते हैं ना कि मिलियंस और ये वो भाई बड़े बेकार, ठीक है, बड़े। मैं अभी रोज़ रमज़ान है, ठीक है, रमज़ान के बाद मैं सही जो है ना शाहिद अनवर 2.0 मैंने इधर बनना है और सही सुनानी है इन बंदों को। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो के अंदर हमने वैसे बेसिकली इस छोटा सा ये चीज़ ही बतानी थी, बट मैंने कहा थोड़ा सा मोटिवेशन भी दी जाए यार। अपने मोटिवेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मोटिवेशन दूंगा तो तुम लोग जो है वो मेहनत करोगे। और इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। वैसे लग बहुत प्यारा है, दिल नहीं कर रहा है डिलीट करने का, वापस ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ये मैप तुम लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है ना उस्ताद जी, ये मैप तुम लोगों ने कंप्लीट करना है। जहाँ तुम लोग का पहुँच जाएगा जो सबसे कम टाइम में करेगा।